हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैग्नेट प्रिंस दिस इज ताजमीन पठान योर साइंस एजुकेटर फॉर क्लास नाइन्थ एंड फॉर क्लास टेंथ तो जैसे कि मैंने आपको अभी-अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास नाइन्थ और क्लास टेंथ की साइंस वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ जिसमें आपको मिलेंगी डेली प्रैक्टिस पेपर्स और स्टूडेंट्स अगर आप लोग सी बोर्ड से आते हैं तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं के से लेके क्लास ट्वेल्व तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एम बोर्ड यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड टेली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं सिक्स से लेके क्लास ट्वेल्व तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज और, और स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप जाकर उसको वहां से अवेल कर सकते हैं सो भाई विदाउट एनी फॉर्जर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लॉज

लॉज़ ऑफ ऑफ़ लाइट तो देखते हैं स्टूडेंट्स के रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट के कितने लॉज होते हैं तो दे आर द टू लॉज़

या मान लो एक ग्लास स्लैब ले लो जो भी ले सकते हो डन अब यहाँ से मान लो स्टूडेंट्स यहाँ से इंसिडेंट रे आई ऐसे आई इंसिडेंट रे तो दिस इज व्हाट दिस इज योर इंसिडेंट रे और ये आके स्टूडेंट की रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन uh, दिखा रही है तो अब ये रिफ्लेक्शन दिखा रही है तो कैसे पता चलेगा यहाँ से जैसा आप जब नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे ऐसे ऐसे आप तो, इट, आप तो आप नॉर्मल बनाएंगे तो अब यहाँ से नॉर्मल कैसे ईजी है बनाना तो अब हम देखेंगे स्टूडेंट या तो अपने पास से इधर को आ जाएगी या उधर को चली जाएगी हम्म ये होगा तो हम ये देखेंगे ये इधर को आ जाएगी ऐसे मान लो ऐसे चली जाएगी तो ये हो जाएगी आपकी स्टूडेंट ये हो जाएगी आपकी रिफ्रेक्टेड रे रिफ्रेक्टेड रे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये है आपकी नॉर्मल तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं फर्स्ट लॉ कहता है कि इंसीडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रेक्टेड रे रिफ्रेक्टेड रे ऑल लाय इन अ सेम प्लेन सेम सब एक ही ही प्लेन प्लेन पर पर आप देख भी पा रहे हो हाँ पे ये सेम फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है स्टूडेंट ये है आपका समझ गए? चलो पहले इसका स्क्रीन शॉट लो अब आओ देखो यहाँ पे तो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू टू लॉज विच आर नोन एज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट

दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करता है कौन आपका सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन क्या जिसको हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं क्या स्नेल्स लॉ स्नेल्स लॉ समझे वाला पॉइंट अब वो स्नेल घोंगे वाला स्नेल मंथ बना देना समझ गए तो देखो दिस रिलेशनशिप वॉज डिस्कवर्ड बाई स्नेल एक्सपेरिमेंटली मतलब साइंटिस्ट का नाम था स्नेल इसलिए इसका नाम पड़ा स्नेल्स लॉ

कॉन्स्टेंट रहेगा क्या रहेगा स्टूडेंट ये कॉन्स्टेंट रहेगा मतलब कि इन दोनों का ये जो रेशियो है ना ये जो रेशियो होगा ये कैसा रहने वाला है आपका ये कांस्टेंट रहने वाला है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया तो किसी भी एक मीडियम के लिए इन दोनों का जो रेशियो होगा ना इनके एंगल्स का वो कैसा होगा स्टूडेंट वो कॉन्स्टेंट होगा अ एयर और ग्लास और एयर और वाटर कोई सा मीडियम होगा समझे दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन क्या ये होता है आपका सेकेंड ऑफ रिफ्रेक्शन जिसको हम क्या बोलते हैं कि आपका साइन आई जो है बाई साइन आर मतलब इन दोनों का जो रेशियो है ना वो कैसा होगा स्टूडेंट वो होगा आपका कांस्टेंट और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलेंगे द कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है डिटेल में तो मैं आपको बताने वाली हूँ बट मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा आइडिया दूंगी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको स्टूडेंट बताता है कि कितनी लाइट बेंट हुई है क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्या बताता है कि लाइट कितनी बेंट हुई है। अब के आपका एक एंगल पर बेंट हुई हमें कैसे पता चलेगा हमें पता चलेगा स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो वी विल नाउ डिस्कस द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इन डिटेल सपोज ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर मान लो एक रे ऑफ लाइट है जो एयर में ट्रेवल करके आ रही है इंटू और एंटर कर रही है किसी और मीडियम में एंड गेट रिफ्रेक्टेड और फिर वो रिफ्रेक्ट हो रही है देखो ऐसा रिफ्रेक्ट हो रही है वो इन दैट मीडियम वी आर द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट साइन आई बाई साइन ऑफ और रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर इंटू अ पर्टिकुलर मीडियम इज कॉल द रिफ्कटिव इंडेक्स तो साइन आई और साइन आर की जो रेशियो की जो वैल्यू होगी ना स्टूडेंट वही होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और हर मीडियम का मतलब कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है समझिए वाला पॉइंट

तो द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज डोनेटेड बाई द सिंबल एन हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट एन से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर साइन आई बाई साइन आर तो साइन आई क्या है साइन आई जो है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो एयर में से आ रहा है और जो आपका रिफ्रेक्शन है वो आपका कोई भी मीडियम जिस भी मीडियम में होगा तो अब हम देखेंगे आपका साइन आ रहा है तो सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट जैसे मान लो आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है कि मान लीजिए आपके पास कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई वो कितना है स्टूडेंट वो है आपका 37 डिग्री सेल्सियस थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस नहीं 37 डिग्री तो ठीक है ये एंगल हो गया 37 डिग्री तो इट मीन्स के इतने एंगल पर वो इंसिडेंट मतलब इतना एंगल नॉर्मल के साथ बना रही है डिग्री का और जो रिफ्लेक्शन है, है okay. तो अच्छा एक बात बताओ ये नॉर्मल के साथ कम एंगल बना रहा है देख रहे हो तुम ट्वेंटी फोर डिग्री का एंगल बन रही है रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ कम एंगल बना रही है तो मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से यह है जो तुम कमेंट बॉक्स में बताओगे जो लाइट वो ट्रेवल कौन से कौन से मीडियम में करिए मतलब रेयर टू डेंसर है या फिर डेंसर टू रेयर है माई क्वेश्चन ये है मेरा क्वेश्चन इसका आंसर आप देंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप अच्छे से इसका आंसर दे पाएंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर अब मान लो आपसे बोल दिया तो अब आप आपसे बोल रहे हैं कि आपको इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करके दिखाना है तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स तो बेसिकली रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन से किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग उसको N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अगर हम लोग उसको N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बेसिकली वो क्या है साइन आई अपॉन साइन आर साइन आई तो साइन आई कितना है 37 डिग्री से थर्टी सेवन डिग्री और आपका साइन 24 मतलब ये हो जाएगा आपका साइन 24 और इसके हिसाब से आप साइन की वैल्यूज को कैलकुलेट करके यहां से क्या बता सकते हैं अपना रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बता देंगे क्या करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ से अपना रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बता देंगे तो इट आपका आपको वैल्यूज गिवन होंगी तो आपकी जो वैल्यू होगी साइन थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस के लिए वो होगी जीरो पॉइंट सिक्स जीरो और 24 डिग्री के लिए होगी 0.40 तो वी एव लिक्विड द साइन टेबल साइन टेबल्स को देखेंगे आप उसके बाद आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी यू डोंट नीड टू लर्न दिस आपको लर्न करने की जरूरत नहीं होगी वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होंगी तो स्टूडेंट तो 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 यहाँ पर आप देखेंगे साइन थर्टी कितना गिवन है आपको जीरो, जीरो, पो जीरो, पो जीरो, जीरो। और आपका साइन ट्वेंटी कितना गिवन है आपको जीरो पॉइंट कितना सिक्स एंड पॉइंट फोर तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो जाएगा ह तो इट कैन भी आपका कितना आएगा ये 1 के लगभग आ जाएगा कितना रहेगा ये आ जाएगा आपका 1.50 तो मतलब कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा 1.50 होगा क्या होगा 1.50 होगा समझ गए वाला पॉइंट है नहीं समझ गए अब आप सोच रहे होंगे मैम ग्लास के लिए क्यों बोला इसने क्योंकि उन्होंने बोला था हमसे क्वेश्चन में देखो कहां गया ये रहा uh, गया ये जो एयर से ग्लास मार है क्या एयर से ग्लास मारी है इस वजह से ग्लास का रिफ्रेक्टिव ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग होता है इस पॉइंट को मैंने मार्क करके रखना तो मैं पहला लॉ तो कह रहा था स्क्रीन ले लो इसका ओके okay. तो स्टूडेंट्स पहला लॉ क्या कह रहा था पहला लॉ कह रहा था कि जो आपके मतलब के तीनों रेज हैं मतलब इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्कटेड रे वो तीनों की तीनों लाई करेंगे इन द सेम प्लेन फिर सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है जिसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं वो क्या कहता है वो स्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप इन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या और वो कैसे स्टैब्लिश होता है इन दोनों के रेशियो से हमें एक चीज मिलती है जिसको हम बोलते हैं रिफ्क्टिव इंडेक्स और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या है जो हमें बताता है कि लाइट जो है जो रिफ्रेक्टेड रे है वो कितनी बेंट हुई है क्या लाइट कितनी बेंट हुई है इन एनी मीडियम

When we talk of refractive index of substance, say glass, we mean the value of sin i by sin r for light passing from air to glass. Strictly speaking, it should mean the value of sin i by sin r for the light passing from vacuum to glass. देखो students, यहाँ पर आप ये देखेंगे जो difference होगा मतलब basically it is all up to कि आप ये नहीं बोलेंगे कि air से उसमें आ रही है आप बोलेंगे vacuum से किसी medium के अंदर आ रही है But the difference in using air in place of vacuum is so small that is ignored. बट वैक्यूम तो बहुत कम होता है तो हम लोग उस चीज़ को इग्नोर कर लेते हैं इट मीन्स कि आप जो बोलते हैं आप ये बोलते हैं ना कि एयर से किसी मीडियम में आ रही है क्या एयर से आप मीडियम में ला रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली द रेशियो वो रेशियो है वो साइन आई बाई साइन आर का ये पॉइंट को आप ध्यान में रखना अपने वेन लाइट रेज गो फ्रॉम एयर जब लाइट जो है स्टूडेंट देखो बोला ना इसलिए एयर अब वैक्यूम बहुत कम चीज़ों में वो होता है इसलिए हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं तो बेसिकली जो लाइट है वो एयर से आ रही है या फिर वैक्यूम समझ गए इंटू अनदर मीडियम इन टू अनादर मीडियम दैन दे बेंड टू सम अब वो किसी और मीडियम में ट्रेवल करेगी तो वो एक्सटेंड uh, क्या हो जाएगी बेंड कर जाएगी नाउ सम मीडिया बेंड द लाइट रेज मोर द नंबर मोर दैन अदर्स कुछ मीडियाज ऐसे होते हैं जो लाइट को ज्यादा बेंड कर जाते हैं द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया मीडियम गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो क्या बताएगा वो उस मीडियम की एबिलिटी बताएगा

रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आप आप बेसिकली ये बोल सकते हैं स्टूडेंट्स के जो आपका लाइट थी वो जब वो जब पास करती है एयर से वाटर में और जब पास करती है एयर से ग्लास में तो ज्यादा अच्छा रिफ्रेक्शन हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है हमें ज्यादा अच्छा रिफ्रेक्शन स्टूडेंट्स देखने के लिए मिलता है जब लाइट पास करती है फ्रॉम एयर टू

एंगल ऑफ इंसिडेंस की वन है सेवेंटी टू डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रेट रिफ्रैक्शन की वन है सेवन फोर्टी डिग्री तो अब हम क्या लिख सकते हैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली एन तो आपको एन कैलकुलेट करना है अब एन कैलकुलेट करना है आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस भी है एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन भी है तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स आप इसको कैलकुलेट करेंगे एन इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन कैसे आप कैलकुलेट करेंगे टू कैलकुलेट टू कैलकुलेट एंड तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ हेल्प ऑफ रिफ्रेक्शन द हेल्प ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन और सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन क्या है आपका एन इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर तो आप देखेंगे स्टूडेंट साइन आई की वैल्यू क्या बने तो साइन आई इज बेसिकली साइन सेवेंटी टू डिग्री और ये हो जाएगा आपका साइन 40 डिग्री अब आपको यहां आप कर लेंगे अब आप इसके बाद या तो इसको अप्रोक्सीमेशन में काट सकते हो डन या फिर आप इसको पूरा कैलकुलेट भी कर सकते हो इट इज डिपेंडिंग ऑन यू पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो ले लिया अब देखो देखो तो यहाँ पे 72, 40 एंड यहाँ पर आपका 0.95 पॉइंट नाइन फाइव मैं जीरो अगर आप इसको अप्रोसीमेशन काटोगे तो अप्रोसीमेशन में मतलब क्या होता है अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है जैसे जीरो है जीरो है जब तो आप पॉइंट से पॉइंट रिमूव करोगे तो आप इसको थ्री से काटने की कोशिश करोगे तो, जाएगा थी, थीजा नाएं, थीजा नाएं, थीजा तो ये जाएगा थ्री थ्री जा नाइन एंड थ्री टू ज़ा तो अब ये समथिंग आपका वन पॉइंट फाइव आएगा तो देखो ना वैल्यू समथिंग वन पॉइंट फाइव ही आ रही है 1.48, इट मींस जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये इट विल बी 1.5 तो आप इसको राउंड ऑफ करके भी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो समझे वाला पॉइंट आप लोग तो आप इस तरीके से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो मैं आपको ये बोलूँगी आप इस तरीके से कैलकुलेट करो ईजी रहेगा तो द रिफेक्टिव इंडेक्स ऑफ सबसेज एक्स हमें नहीं पता वो कौन है एक्स

वो मीडियम कितना लाइट को बेंट कर सकता है क्या कर सकता है स्टूडेंट कितना लाइट को कर सकता है समझ, समझ, समझ तो में रिफ्रैक्शन दोनों दोनों तो का इंसिडेंट रे रिफ्रेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल थ्री जो ये आपकी रेज है ये लाइ करेंगी सेम प्लेन पर फिर आपका सेकेंड लॉ क्या बताता है सेकेंड लॉ आपको बताता है कि जो आपका साइन आई है और जो आपका साइन आर है वो कॉन्स्टेंट है क्या है स्टूडेंट कॉन्स्टेंट है और वो कॉन्स्टेंट क्या है आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मतलब आपका साइन आई अपॉन साइन आर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका ये हो जाएगा दिस इज योर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या बताता है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताता है कि कोई भी मीडियम किसी लाइट को कितना बेंड कर सकता है समझ के वाला पॉइंट तो इसकी वैल्यू बराई करेगी मीडियम टू मीडियम क्या मीडियम तो, दोनों दोनों तो इन दोनों का रेशियो क्या देता है स्टूडेंट इन दोनों का रेशियो आपको देता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है कि मैम कोई मीडियम किसी लाइट को कितना बेंट कर सकता है समझ पाया है वाला पॉइंट या नहीं समझ पाया पहले आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ले लिया आपने इसका स्क्रीन शॉट बढ़िया ओके डन तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपका मैं इस सेशन को यहीं पर ही खत्म कर रही हूं तो मेरा आज का मेन टारगेट पूरा हो चुका है कौन सा लॉस बताने का और उस लॉस के साथ आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी सीख लिया है बट मैं आ, अगर और आप कोई भी डाउट इसके रिगार्डिंग रह चुका है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देना मैं उसको नेक्स्ट सेशन में जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगी और स्टूडेंट्स वापस से एक और चीज बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन अगर आप लोग सी बोर्ड से आते हैं तो हम आपको KG से के से लेके क्लास ट्वेल्व तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं सिक्स से लेके क्लास ट्वेल्व तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस और स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप इन सब के थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं तो भाई मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में ऐसे धमाकेदार सेशन वो रहेगा जो जब तक बने रहेगा मेरे साथ मैकेट ब्रेन्स पर थैंक यू सो मच